हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को NDPFC भी बोलते हैं। हम सबको याद होगा, पहले मैंने बताया जब एग्रीगेट्स बता रहे थे हम, तो कि डोमेस्टिक इनकम को हम NDPFC भी बोलते हैं। और डोमेस्टिक इनकम को दो तरीके से लिया जाता है। एक तो प्राइवेट इनकम से हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हम लोग पा सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम लोग उसको गवर्नमेंट सेक्टर से पा सकते हैं। तो वैसे ही देखिए, डोमेस्टिक इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो है जितने भी इनकम आएंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से भी हमको डोमेस्टिक इनकम मिलता है, लेकिन जब हम प्राइवेट इनकम निकालेंगे तो हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखना कि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम का एक पार्ट लेंगे, प्राइवेट जो हमारा प्राइवेट सेक्टर से जो अभी हमारा पैसा निकल के आ रहा है, जब हम प्राइवेट इनकम निकालेंगे तो हमको इस वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी हम इसको डोमेस्टिक इनकम में पढ़ते हैं कि दो तरीके से हम लोगों को पैसा डोमेस्टिक इनकम में मिलता है। एक तो प्राइवेट सेक्टर से मिलता है, प्राइवेट सेक्टर जितना अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाता है एक तो ये मिलता है, और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर जो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाता है वो रहता है। ठीक है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर दो चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दो तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से देखते हैं यहाँ पे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो पैसा मिले, जैसे कि रेलवे वगैरह हो गए, इससे जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट होती हैं वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो पैसा हमको मिलने वाला है, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो गया चाहे जो भी हो गया, इससे जो भी हमारी रेवेन्यूज कलेक्ट होंगी वो इसके अंदर आएंगी। दूसरा क्या है कि सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो सेविंग है, जो रिटेन्ड अर्निंग है, वो भी इसके अंदर कैलकुलेट होंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है दो चीज़ें, एक तो रेवेन्यूज और दूसरा क्या होगा, सेविंग। ठीक है, सेविंग कैसे, रिटेन्ड अर्निंग जो हम लोग पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है इसको हम लोग रखते हैं, ये भी तो एक पार्ट ऑफ इनकम ही होता है, ये भी तो जनरेट किया गया ही होता है, लेकिन हम लोग इसको रख देते हैं फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, फॉर द फ्यूचर लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो इसको भी जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसको दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तब जाके हमारा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर निकल के आता है। आई बात समझ में? अब हम चलेंगे अपने प्राइवेट इनकम की तरफ, और हमको ये वाला पार्ट याद रखना है कि क्योंकि हमको प्राइवेट इनकम में सबसे पहले यही वाला पार्ट लेना है। ठीक है, ये क्या है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर कितना कमा रहा है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब प्राइवेट इनकम। आज हम लोग प्राइवेट इनकम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग उसके पहले डोमेस्टिक इनकम डिस्कस कर चुके हैं। तो डोमेस्टिक इनकम में हम वो चीज़ें जो है देख रहे थे, जो एक तो प्राइवेट सेक्टर से आ रही थी और दूसरी किससे आ रही थी, पब्लिक सेक्टर से। तो जो प्राइवेट सेक्टर वाली चीज़ें आ रही थी, देखो ये देखिए वहाँ पे है ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रही थी। दूसरी क्या थी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, अभी हम ये बताते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राइवेट इनकम क्या होता है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अर्न करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर अर्न करता है हमारी इकॉनमी में वो क्या कहलाता है, प्राइवेट इनकम। ठीक है, तो प्राइवेट इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फैक्टर इनकम, एक होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब वो होता है कि जो पैसा हम लोग कमा के मिलता है, ठीक है, जो पैसा हम लोग फैक्टर सर्विसेज दे के कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो होता है जो पैसा हमको फ्री में मिलता है, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। जो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स होते हैं इसको हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो अब देखिए, फैक्टर इनकम के अंदर दो चीज़ें, या तो हम लोग घर के अंदर से कमाएंगे पैसा, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दूसरे कंट्री से जाके कमाएंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में वो आता है जो पैसा, याद करें डोमेस्टिक इनकम में दो पार्ट होते थे, एक इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यही उसका पार्ट था डोमेस्टिक इनकम का। तो यहाँ पे उसको लेंगे, यानी कि घर के अंदर से जो पैसा कमा रहे हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से जो पैसा कमा रहे हैं ये। ठीक है, ये हमारा फैक्टर इनकम हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो डोमेस्टिक इनकम में क्या आ जाएगा। पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट हम लोगों से पैसा लेती है उसके बदले हमको सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू कर, NSC वगैरह इशू करती है, तो उस पर जो गवर्नमेंट हम लोग को इंटरेस्ट देती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, क्योंकि वो फ्री फंड में मिलता है, उसके बदले तो हमको कोई फैक्टर सर्विसेज देनी ही नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा है करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमको पैसा देती है,
ठीक है, कुछ जो गवर्नमेंट हमको पैसा क्या फ्री फंड में जो पैसा देती है, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, पेंशन वगैरह हो गया, तो वो इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके साथ साथ आता है कि नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो हमको गिफ्ट एंड ग्रांट्स दे, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि फैक्टर इनकम के अंदर जो घर के अंदर कमा रहे हैं वो, प्लस जो बाहर से कमा रहे हैं वो, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ट्रांसफ़र इनकम के अंदर जो देश के अंदर से जो फ्री फंड में पैसा मिल रहा है ये दोनों, और जो देश के बाहर से फ्री फंड में पैसा मिल रहा है ये दोनों, जब इन चारों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट इनकम निकल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पर्सनल इनकम। ठीक है, और वो है, दूसरा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और तीसरा है पर्सनल नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पर्सनल इनकम क्या होता है। जो एक्चुअल में किसी इंडिविजुअल को जो रिसीव होता है इनकम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। जो किसी भी इंडिविजुअल को इनकम रिसीव होता है, ठीक है, हाउस होल्ड को जो एक्चुअल में जो पैसा रिसीव होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल इनकम। तो देखिए, पर्सनल इनकम कैसे होगा, प्राइवेट इनकम जो होगा, जो अभी हम लोगों ने पहले निकाला था प्राइवेट इनकम, ठीक है, जो प्राइवेट इनकम जो होगा उसमें से हम लोग पहले क्या माइनस करेंगे, कॉरपोरेट टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है, प्राइवेट इनकम में से कॉरपोरेट टैक्स क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग कमाए होंगे, ठीक है, चाहे जितना भी प्राइवेट सेक्टर से कमाया हुआ गया होगा, उसमें से हमको सब टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो उसमें से हम लोग सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, कॉरपोरेट टैक्स, और कॉरपोरेट टैक्स को माइनस करने के बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि सारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन लोगों ने क्या करा के रखा होता है कि कुछ पैसा जो होता है फ्यूचर के लिए जो है सेव करके रखे रहते हैं वो लोग। तो एक्चुअल में हाउस होल्ड को कितना रिसीव होगा, प्राइवेट इनकम से तो सब पता चल गया कि हमारे प्राइवेट सेक्टर कितना कमा रहा है, ठीक है, जो हमारा सेक्टर है वो कितना कमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो हाउस होल्ड को कितना रिसीव हो रहा है, तो वो तो सबसे पहले टैक्स हटेगा, उसके बाद हमारा क्या हटेगा, रिटेन्ड अर्निंग हटेगी, तब हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में किसी के हाथ में कितना पैसा जा रहा है। अब दूसरा है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पैसा तो आ गया, ठीक है, किसी हाउस होल्ड के हाथ में पैसा तो आ गया, लेकिन वो उस पैसे का कितना जो है कंज्यूम कर पा रहा है, कितना डिस्पोज कर पा रहा है, कितना उसके पास जो पैसा है वो डिस्पोज करने लायक है, उसमें से कितने पैसे कुछ कटेंगे या फिर क्या होंगे, देखते हैं उसको। तो पर्सनल इनकम में से, यहाँ से हम लोगों ने पर्सनल इनकम निकाला, पर्सनल इनकम में से हम लोग सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, पर्सनल टैक्स। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, तो वो भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो हम पर्सनल टैक्स तो हमको पे करना ही करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम ही प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, तो पर्सनल इनकम में से हमको सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, पर्सनल टैक्स, उसके बाद से मिसलिनियस रिसिप्ट, कुछ चलान वगैरह, चाहे कुछ रिसिप्ट वगैरह गवर्नमेंट के पास से आते हैं जो हमको पे करना ही करना पड़ता है, उसके बाद तीसरी चीज़ है, सॉरी, पर्सनल टैक्स और मिसलिनियस रिसिप्ट, बस दो चीज़ें जो हमको माइनस करनी पड़ेंगी, तो हमारा जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल आएगा, मतलब उसके बाद से वो पैसा निकलेगा जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पूरा नेशनल इनकम जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या ऐड होगा। तो सबसे पहले तो हमारा नेशनल इनकम तो हम कंज्यूम करेंगे, जो हमारा पैसा आया हुआ है पूरे देश का वो कंज्यूम करेंगे ही, उसके साथ साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNPFC होता है, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं, याद करिए, फैक्टर कॉस्ट, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी चीज़ कि ये जो होता है ये फैक्टर इनकम होता है, ये सारा क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जितने भी ट्रांसफ़र है, करेंट ट्रांसफ़र है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, मतलब जितने भी गिफ्ट एंड ग्रांट्स ऐड किए गए हैं, मान लो कि हमको 1 लाख का कोई गिफ्ट दिया, तो हम उसको कंज्यूम ही तो करेंगे ना, क्या करेंगे उस पैसे का, तो हम उस पैसे को भी ऐड कर लेंगे। यानी कि नेशनल इनकम में हम लोग क्या ऐड करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज़ें हमको ऐड करनी है, तब जाके हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है ये टॉपिक, अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।